जी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड क्या है, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली जो साइड होगी उसको हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि परपेंडिकुलर बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। उसके अलावा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 सेंटीमीटर, articles in
देखिएगा कि एक दिन ऐसा होता है कि
लास्ट में जो दिखा हुआ ये देखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या चलो छोड़ो शुरुआत से देखते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जितना है एक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल दो एक्स हो गया, ठीक है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल और एक्स ये थ्री ज़्यादा है आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, तो उस दिन कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वाई, उसका प्राइस कितना हो गया उससे तीन ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन। दोनों क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज रुपीज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट तो एक्स रुपीज है और कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं वाई आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है, एक आर्टिकल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो वाई आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 90, यहाँ से क्या करिए, यहाँ से आपको वाई इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन एक्स, ये भी क्वेश्चन, ठीक है, अब लिखिए the value of y from equation 2 in equation 1, y की value equation 2 में से उठाइए और equation 1 में डाल दीजिए, तो x is equal to क्या है 2y plus 3, तो 2y कितना हो गया 90 upon x, 2y plus 3 एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 90 अपॉन एक्स प्लस 3, एलसीएम देंगे ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 3x अपॉन एक्स, अब इस एक्स को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस 3x, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब मेरे को 3 को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करें 180 बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 और प्लस का 12 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, पहला और दूसरा जो टर्म है इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँगा, तो x कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 15 प्लस इधर 12 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 15, ये हो गया x माइनस 15 इंटू x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 12 तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 15 होगी, ठीक है, x की वैल्यू 15 होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ये हो गया रुपीज 15, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज होगी,
को लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वो हमने कितना लिया था, वो हमने वाई लिया था ना, तो वाई कितना 90 अपॉन एक्स, वाई इज इक्वल टू 90 अपॉन एक्स, 90 अपॉन 50 ये हो गया 6। ठीक है, तो तुम्हारा बताना बहुत क्या है, कभी हमारे पास टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट डिजिट को एक्स मान लेते हैं, टेंथ डिजिट को वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी करेंगे, यूनिट डिजिट को एक्स मान लेंगे और टेंथ डिजिट को वाई मान लेंगे, तो हमारे पास टू डिजिट नंबर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर भी वही, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड द टेंथ डिजिट बी वाई। Yeah, you can see it, X and Y.
इनटू 1 प्लस 10 डिजिट y है तो y इनटू 10 x प्लस 10 y यहां लिखेंगे एज पर क्वेश्चन ये जो उनको नंबर दे रखा है इसके बारे में हमने बोला है कि टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि नंबर जो है वो फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स है फोर इंटू एक्स प्लस वाई नंबर क्या था एक्स प्लस टेन वाई एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर वाई इसको इधर ले आइए एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टेन वाई माइनस फोर वाई तो x माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स और टेन वाई माइनस फोर वाई इज प्लस का सिक्स का इज इक्वल टू जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस थ्री कॉमन ले लिया एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो और माइनस थ्री उधर चला दिया तो जीरो अपॉन माइनस थ्री वैसे ही यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर वन ठीक है अब ये हो गई इक्वेशन नंबर वन अब इक्वेशन टू बना लेंगे जो दूसरी कंडीशन दे रखी है नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि रीज़न ये है कि हमारे पास
वाईजोन है वेरिएबल, तो वेरिएबल को वेरिएबल से ऐसे नहीं काटा जा सकता। हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरफ ले आएंगे, दोनों को एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर वाई कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की दो वैल्यूज हो सकती है, आइदर वाई इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू थ्री। वाई की वैल्यू जीरो हो सकती है या वाई की वैल्यू थ्री हो सकती है, एक चीज़ तो ये अब एक्स की वैल्यू देखिए, अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स कितना है टू वाई, यानी कि टू इंटू जीरो, तो एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा। अगर एक्स और वाई दोनों ही जीरो हो गए तो हमारा ये टू डिजिट नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये समझ गए। अगर एक्स और वाई दोनों ही जीरो हो गए तो टू डिजिट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कि वो जीरो ही हो जाएगा। भाई नंबर क्या है, नंबर है एक्स प्लस टेन वाई, तो जीरो प्लस टेन इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, तो वो टू डिजिट नंबर नहीं बन पाया, तो जीरो बन गया। लेकिन अगर वाई की वैल्यू थ्री है तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, टू इंटू वाई टू इंटू थ्री मतलब एक्स की वैल्यू सिक्स। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर, देयरफॉर नंबर क्या है एक्स प्लस टेन वाई, तो एक्स है सिक्स और वाई है थ्री, सिक्स प्लस टेन इंटू थ्री, टेन इंटू थ्री इज थर्टी, थर्टी प्लस सिक्स इज थर्टी सिक्स, नंबर हो गया थर्टी सिक्स। The digits interchange their places to get the reverse number.
देखा यूनिट सीजेड एक्स है और एम सीजेड वाई है, तो एक्स में वन को मल्टीप्लाई कर दिया और वाई में टेन को मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया नंबर
of a fraction is? Minus 3x plus 3x cancel out, 3y minus 2y is plus 4y,
12 minus 3 is the y equal to 900. Equal from equation 1. Equation 1 ये वाली भी ले सकते हैं, minus x plus y is equal to 4. Minus x plus y is equal to 4. Minus x is equal to 4 minus 1. Minus 5 plus x is equal to 5. क्या हो गया मैक्सिमम वाई ये आंसर ठीक है. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें. बट वेटिंग गुड इवनिंग.